हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे को तकिया क्यों ना लगाए। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपनी नवजात शिशु की केयर कर सकते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि बच्चा जब सो रहा हो तो उसकी गर्दन के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। पर तकिया क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे के जुड़े हुए रीजन? तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी बच्चे को सोते समय तकिया क्यों नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि हाल ही में जन्मे बच्चे और छोटे शिशुओं को तकिया लगाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। ये सही बात है, छोटे बच्चों को तकिया लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। पहला टिप, दम घुटना। तकिया लगाने से बच्चे की सांस नली अंदर से मुड़कर दब सकती है क्योंकि उनका शरीर काफी नाजुक होता है, तो ऐसे में ये समस्या हो सकती है। टिप नंबर टू, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम। तकिया को लगाने से बच्चे में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि तकिया लगाने से सांस नली अवरुद्ध हो सकती है। टिप नंबर थ्री, ओवरहीटिंग। फैंसी तकिए गर्म होते हैं और बच्चे को लगाने से उनके सिर में गर्मी पैदा हो सकती है जिससे उन्हें नुकसान ही पहुंचेगा। कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। टिप नंबर फोर, गर्दन मुड़ना। तकिए इतने ज्यादा गुदगुदे होते हैं कि उनसे गर्दन मुड़ने का डर रहता है। बच्चों के गले के पास की हड्डी बहुत नाजुक होती है, अगर वो खिसक जाती है तो बच्चा बहुत रोता है। ऐसे में तकिया लगाना इस समस्या को पैदा कर सकता है। टिप नंबर फाइव, सपाट सिर होना। बच्चे को तकिया लगाने से उसका सिर फ्लैट हो सकता है क्योंकि उससे सिर पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। बच्चे को सुलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। 2 साल की उम्र तक बच्चे को तकिया ना लगाएं। बच्चे का तकिया फ्लैट और नर्म होना चाहिए। बच्चे के सिर की स्थिति हर 2 घंटे में बदलते रहना चाहिए। बच्चे के रूम में कोयला, हीटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाकर ना छोड़े। तो ये सब थी कुछ बातें जो नवजात शिशु सो रहा हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और 2 साल से कम के बच्चे के सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।